अस्सलाम वालेकुम। पाइथन हमारे पास डायनामिकली डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करूंगा। पहले मैं आपके साथ जावा की एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जावा में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप पहले उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। इंटीजर के लिए आप इंट, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और देन डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू आप असाइन करते हैं। ये मोस्टली हम जावा में यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन हमारे पास क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको वेरिएबल की डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में हम कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट आप यूज़ करते हैं वेरिएबल का नेम, यहाँ पर मैंने देखे डेटा टाइप मेंशन नहीं की, और जस्ट उसकी वैल्यू और एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या, पाइथन क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आपका ये कोड रन होगा तो पाइथन ऑटोमेटिकली जो ये वेरिएबल आपके पास है नंबर के नाम से, इसको डेटा टाइप असाइन कर देगा वैल्यू की बेस पे, जो वैल्यू ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये वैल्यू कौन सी होल्ड कर रहा है, 10। तो 10 हमारे पास क्या है, नंबर है, तो वो इसको क्या कर देगा, इन डेटा टाइप असाइन कर देगा। तो इसको हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास यूज होता है टाइप का फंक्शन, और मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है इंट। तो यानी इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंट है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको असाइन नहीं किया था, बेसिकली इसको वैल्यू हमने 10 दी थी। तो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे इस वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन हो जाएगी इंट। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी वेरिएबल को आप डिफरेंट टाइप का भी डेटा असाइन कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली रन टाइम पे उसकी डिफरेंट डेटा टाइप उसको असाइन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ इसको रीअसाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। अब आपको ये सेम वेरिएबल है, इससे पहले हमने नंबर वैल्यू असाइन की थी, अब इसे स्ट्रिंग कर दी, हेलो वर्ल्ड। अब इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं, प्रिंट। प्रिंट के बाद हमने यूजर टाइप और नंबर किया, और इसे मैं रन कर रहा हूँ। आप देखिए, हमारे पास इसकी जो डेटा टाइप है आपके पास ये स्ट्रिंग है। आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लोट असाइन कर रहा हूँ, नंबर और 10.5, और अब इसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टाइप और नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए आउटपुट चेक करें, पहले मैंने इसे 10 असाइन किया तो इसकी डेटा टाइप नंबर हो गई। जैसे हमने इसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की तो इस वेरिएबल की डेटा टाइप कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग में। थर्ड टाइम इसको हमने फ्लोट वैल्यू असाइन की तो इसकी डेटा टाइप कन्वर्ट हो गई फ्लोट में। इट मीन्स ये वेरिएबल ड्यूरिंग रनिंग ही डिफरेंट डेटा टाइप इसको असाइन हो रही हैं उसकी वैल्यू के बेस पे। तो इस वजह से हम पाइथन को कहते हैं कि यह डायनामिक डेटा टाइप एक लैंग्वेज है, कि आपको खुद से जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे आपको वेरिएबल की डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली रन टाइम पे उसकी वैल्यू के बेस पे उसको डेटा टाइप असाइन हो जाती है। तो थैंक यू, होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।